दोस्तों फिर से स्वागत है आप लोग का मेरा यूट्यूब चैनल में। अभी जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का मीटर रीडिंग करने के लिए, तो आप वीडियो में बने रहिए और देखें कैसे इलेक्ट्रिसिटी का मीटर रीडिंग होता है और क्यों होता है। एक एक करके सारा चीज़ मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। बोल दीजिए कुछ। हेलो, सलाम अलैकुम, नमस्कार, क्या हाल है? सब खैरियत? ठीक ठाक। हम जा रहे हैं अपने काम पे डीसी करने। आज थोड़ा डीसी भी करेंगे और रीडिंग भी करेंगे। गर्मी बहुत है ओमान में। इलेक्ट्रिसिटी का मीटर रीडिंग करने जा रहे हैं? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का बोथ। और कुमार साहब को आज काम सिखाएंगे। हाँ। रीडिंग कैसे करते हैं, सही है? और बाकी सब खैरियत है? चलो खूब बात करो। तो ये भैया हैं पाकिस्तान से। हाँ। अभी हम लोग जा रहे हैं काम करने के लिए। और ओमान में मेरे को 20 साल हो गया है, 20 ईयर्स। मेरी फैमिली भी इधर ही है। भैया पाकिस्तान से भी जा रहे हैं मीटर रीडिंग करने के लिए। हम लोग कैसे कैसे करते हैं सब भेज देंगे, दिखाएंगे आप लोग को। यानी अरबी में रकम साहब कहते हैं, ये अकाउंट नंबर आ जाएगा, ये रकम अदाद मीटर नंबर है, ये करा हालिया यानी करंट रीडिंग है। सही है, बस ये तीन चीज़ें इसमें। सही है, आओ तो कैसे लेते हैं आप? मैंने इसको स्कैन करेंगे पहले। अच्छा, ये देखो स्कैन किया। हाँ, ये देखो क्या आया, 969। हाँ हाँ, अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर ये करंट रीडिंग पूछ रहा है। क्या रीडिंग है इधर आओ? 73189। ये टू नहीं चाहिए, सिंगल फेज का टू नहीं चाहिए। 73189 ये लिखा। ये हिफ्स यानी सेफ का बटन है। ये हसना को छोड़ो, हसना क्यों कर रहा है? कबल खत। देखिए दोस्तों, पाम में स्कैन करने के बाद ये जो नंबर है ना, यह यूनिट नंबर है 23126। इसके बाद ये 4, ये डालना पड़ता है पाम में। पाम में डालने के बाद सेव करना पड़ता है। सेव करने के बाद ऑटोमेटिक चल जाता है ऑफिस में। उसके बाद ये यूनिट नंबर है, इसी से बिल निकालता है कि टोटल कितना बिल कंज्यूमर के नाम से आया है। उसके बाद कंज्यूमर को उसके घर बिल भेज देता है। तो यही था वीडियो मीटर रीडिंग का, इलेक्ट्रिक मीटर रीडिंग का। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर करें, कॉमेंट करें एंड लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।